नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पूरे देश में लंबे समय तक चला किसानों का आंदोलन भले ही चाहे एक बार खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी कई मुद्दों को लेकर किसानों, किसान संगठनों और किसान नेताओं में गुस्सा है। ऐसे में वे एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि किसान यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को आज तक नहीं भूले। केंद्र सरकार ने आज तक अपने वादों को पूरा नहीं किया। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की मांगे आज तक नहीं मानी हैं और किसान आंदोलन के दौरान उन पर लगे मुकदमों को वापस नहीं लेकर मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है। टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार ने लिखित आश्वासन के बावजूद किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी नहीं की। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को कोई मुआवजा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। सरकार की ओर से लंबित मांगों पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसानों में नाराजगी है। इन सब के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को देश भर के जिले और तहसीलों के केंद्र पर वादा खिलाफी दिवस मनाएगा। 31 जनवरी तक यदि उनकी लंबित मांगों को लेकर मोदी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद 1 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि किसान अभी तक लखीमपुर खीरी की घटना को नहीं भूले। 21 जनवरी को उनके नेतृत्व में किसानों का एक दल लखीमपुर खीरी भी जाएगा। 3 दिन तक वहां दुर्घटना में मारे गए किसानों के परिवारों से और अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। यदि सरकार और अफसरों के स्तर पर वहां पीड़ितों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है तो लखीमपुर खीरी में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में किसान नेता टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी किसानों की हत्या के षड्यंत्र में जिम्मेदार हैं। इस मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलनकारी किसानों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना गलत है। वहीं एक सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि यूपी में जो किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से बेदखल कर दिया गया है। ऐसे किसान संगठनों की मोर्चा में वापसी पर टिकैत ने कहा कि 3 महीने से पहले इस पर कोई चर्चा ही संभव नहीं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।